नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ बिमला जी हैं जो 30 सालों से डेरा सच्चा सौदा संस्था में आ रही हैं। इनके साथ से बातचीत आपको दिखाते हैं। नमस्कार मैम, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। कहाँ से आए हैं मैम? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से आए हैं। कितने समय से आप डेरा सच्चा सौदा संस्था 30 सालों से आ रहे हैं मैम? इतनी दूर से आप सिरसा हरियाणा में पहुँचे हो मैम, क्या कितनी आस्था, कितना विश्वास करते हो आज आप संत? पहले से भी ज़्यादा। क्यों मैम, आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या? पिताजी ने हमारी सब इच्छाएं पूरी की हैं, आज तक भी कर रहे हैं। जैसा हम बोलते हैं, जैसा हम सोचते हैं कि बच्चे हमारे अच्छा निकले, नशों से दूर किया, बच्चे नशा नहीं करते। फिर हमने बिजनेस के बारे में सोचा, बिजनेस हमारा पिताजी ने चलाया है। हमारे को अंडे छुड़ा के हमारे को ठंडे की एजेंसी दी है, ठंडे छुड़ा के फिर हमारे को इलेक्ट्रिक की एजेंसी दी है। पिताजी ने बहुत अच्छा काम चलाया, हम तो इनका एहसान भूल नहीं सकते। फिर पिताजी ने हमारे, इनको किडनी ख़राब हो गई थी, इनको किडनी ख़राब में इनको 8 साल कटवाए। हालांकि डॉक्टर कहते थे 2 साल भी काट सकता डायलिसिस में, और इन्होंने 8 साल काटे और लगता नहीं था कि इनकी दोनों किडनियाँ ख़राब है। सब कहते थे कि फौजी साहब आप तो बीमार लगते ही नहीं है, आपको कौन कहता बीमार है, ठीक ठाक चलते फिरते, खाते पीते सब कुछ, पता नहीं चलता था कि मैं, कहते मैं कौन बीमार नहीं हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ, दोनों किडनियाँ ख़राब, कहते मैं बीमार नहीं हूँ, मेरे को क्या कुछ भी नहीं है। पिताजी की मेहर से सिमरन करते थे सवेरे शाम, हमेशा सिमरन में रहते थे, नाम चचा घर में जाते थे। अब कितना आस्था, कितना विश्वास, मतलब अब क्या कहना चाहोगे आप? अभी भी बहुत विश्वास है, अब तो कहते पिताजी जल्दी से जल्दी आ जाए हमारे बीच। हमारे को पिताजी के सिवाय कुछ अच्छा नहीं लगता मैम, अच्छा ही नहीं लगता, हम कहीं जाने का विश्वास ही नहीं करते, कहीं हमारा दिल ही नहीं लगता मैम। उन्होंने क्या किया है लोगों के लिए? बहुत कुछ किया उन्होंने, मानवता भलाई के बहुत काम किए, सफाई अभियान उन्होंने, लड़कियों का साथ उन्होंने दिया है, गरीबों का साथ उन्होंने दिया है, कपड़े गरीबों को बांटने, मकान बनाने, सब उनकी शिक्षाओं पर चलते हुए आज हम भी वही काम कर रहे हैं। जहाँ भी कोई काम होता है हम सहयोग देते हैं, इतनी दूर से आके भी हम यहाँ सहयोग देते हैं। क्या आज आपको लगता है उनकी ज़रूरत है? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आ जाए तो समाज सुधर जाएगा, और जो बेचारे नशों में डूब रहे हैं, घर बर्बाद हो रहे हैं, वो सुधर जाएंगे। पिताजी के सिवाय आज तक दुनिया में कोई भगवान खुदा हुआ ही नहीं, ना ही होगा, ना ही होगा। क्या अपील करोगे, क्या मांग करोगे आप? यही कहेंगे कि पिताजी को जल्दी से जल्दी लाओ, समाज का सुधार करो, जैसे पिताजी ने सबको समझा के इस तरफ लाया, इस तरफ पिताजी दोबारा आएंगे तो फिर समझा के इधर लाएंगे। वैसे दुनिया नहीं समझती, ये संत महात्मा ही है जो दुनिया को जोड़ सकते हैं, दूसरा कोई नहीं जोड़ सकता, ना ही किसी का कोई कहना मानता है, पता ही है। सत्संग जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जनता अपील कर रही है सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रेम सिंह चिंसा के लिए कि उनकी समाज को सख्त जरूरत है। आप भी अपनी राय डालते रहिए, देखते रहिए द फैक्ट टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद।